आजकल वास्तु शास्त्र में एक बिल्कुल ही नई चीज देखने को मिल रही है कि वास्तु शास्त्री बहुत ज्यादा लोगों को डरा देते हैं। दोस्तों, जब भी कोई अच्छा वास्तु कंसल्टेंट होता है, वो आपको कभी भी डराएगा नहीं। वास्तु वाले के पास आप जब जाते हो तो आप ये सोच कर जाते हो कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिलेगा, ना कि वास्तु वाला आपकी समस्या और बढ़ा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार हम वीडियोस देखते हैं, हमारे पास क्वेरीज आती हैं लोगों की, बड़े परेशान होके कि सर, हमारे को तो हमारे के वास्तु वाले ने बता दिया है कि आपका तो नॉर्थ ईस्ट में किचन बनी हुई है, आप तो कैंसर से मरोगे। एक ने बता दिया कि जी हमारे घर में, यहाँ पे आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, आपको तो बीमार होके ही मरोगे, आपको तो ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बीमारियों की या किसी भी जब वास्तु दोष होता है तो बहुत सारे वास्तु दोष कैलकुलेट करे जाते हैं, काउंट करे जाते हैं। आपके घर में देखा जाता है कि कौन सी दिशा में कौन सा वास्तु दोष बन रहा है, उसी के हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलता है, उसी डिफेक्ट के हिसाब से आपको इफेक्ट्स आते हैं। इसीलिए आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप तो बीमारी से मरोगे, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया है, किसी वास्तु वाले ने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस है, आप तो गए, रह नहीं सकते आप तो इस घर में। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा अगर कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आपके साथ कर रहा है, कोई भी कंसल्टेंट आपके साथ ऐसा कर रहा है, आप उसकी बातों में ना फंसे। दोस्तों, एक अकेले वास्तु दोष से कभी भी आपको कैंसर नहीं होगा, एक अकेले वास्तु दोष से आप कभी भी ऐसे कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से, ऐसी कोई बहुत बड़ी मेजर बीमारी से नहीं मरने वाले। दोस्तों, और ये जो वास्तु शास्त्री अपना बिजनेस चलाने के लिए आपको डरा रहे हैं, इनकी बातों में आना बंद करें दोस्तों।